हेलो फ्रेंड्स, जेआईसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी के इस लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। यह है मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 15 और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो आज की जो पूरी क्लास होगी वो सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड होगी, पूरा डिस्कशन इसी के थियरी के ऊपर होगा और इसका जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 16 में। इसके पहले 14 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को, अभी तक जितने भी टॉपिक को हमने टच किया है, उन सभी के थियरी और उन पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं और प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको हमने उन सभी लेक्चर में डिस्कस किया है। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन सुबह 6 बजे आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है ये आप बहुत ही आराम से जानते हैं। सिंपल सी बात है कि किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा उसका जो पोजीशन, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो सेम है, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल का जो डिस्टेंस था, उसके पाथ का डिस्टेंस जो था वो कॉन्स्टेंट था, उस पॉइंट को हम सर्कुलर पाथ का सेंटर बोलते हैं और इस डिस्टेंस को इस सर्कुलर पाथ का रेडियस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ए है जो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है सेंटर ओ के अबाउट, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हर एक पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट के डायरेक्शन में है। तो जो सर्कुलर पाथ है अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर आएगा, इस पॉइंट का टेंजेंट इधर होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट इधर होगा, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। यानी सर्कुलर पाथ पर एकदम कन्फर्म है कि सर्कुलर पाथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा वेरी करेगी, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। पार्टिकल की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होगा। आप देख रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी जो है टेंजेंट के डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का टेंजेंट अलग डायरेक्शन में है, इस पॉइंट का टेंजेंट अलग डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा। लेकिन इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम स्पीड बोलते हैं। तो सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता है ना, ये हमेशा चेंज होता है, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड, वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये स्पीड चेंज हो रहा है तो ऐसे केस में जो सर्कुलर मोशन होगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी नहीं, अगर पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो ऐसे में इस सर्कुलर मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर उसकी स्पीड वेरी हो रही है, सॉरी ये चेंज नहीं हो रहा है, ये तब की बात है, अगर पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर वो चेंज हो रही है, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहां पर आपको यह बात जरूर ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन नाम दिया गया है वो वेलोसिटी में चेंज के बेसिस पर नहीं बल्कि स्पीड में चेंज के बेसिस पर दिया हुआ है। स्पीड में चेंज नहीं होगा तो यूनिफॉर्म हो गया, स्पीड में चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी के बारे में नहीं बोला गया, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है हमेशा। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा चेंज होती है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने का दो तरीका है। सबसे पहले तो आप देखिए वेलोसिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वेलोसिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो उसके पास डायरेक्शन होता है और एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम स्पीड कह रहे हैं। तो स्पीड हो सकता है कांस्टेंट रहे, स्पीड हो सकता है चेंज हो। तो मान लीजिए अगर हम ये मान ले रहे हैं कि पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है फिर भी उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो गया इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चेंज हो जाए, ये स्पीड है और ये डायरेक्शन है, तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दोनों चेंज होता है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है।
तो यहां पर तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, ये कंफर्म है। अब रही बात स्पीड की, तो स्पीड कभी चेंज होता है कभी नहीं होता है। स्पीड चाहे चेंज हो और स्पीड चाहे चेंज ना हो, दोनों ही केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि इसके पास एक्सीलरेशन है। सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पास एक्सीलरेशन है। इसी वजह से आप ध्यान रखिएगा, जो सर्कुलर मोशन होता है वो किस टाइप का मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक, तो ये तो कुछ चीज कॉमन चीज़ें हो गई कि सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन क्यों होता है, कैसे होता है, कितने टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ये बहुत ही बेसिक सी बात है। अभी आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म को पढ़ना है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होते हैं, और इन सभी क्वांटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन। चलिए हम फिर से इस सर्कुलर पाथ को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल का ये सर्कुलर पाथ है, और ये उसका सेंटर है, सेंटर O है, और किसी टाइम पर T1 टाइम पर एक पार्टिकल यहाँ पॉइंट A पर था, T1 टाइम पर कोई पार्टिकल पॉइंट A पर था, और ये T2 टाइम पर पहुँच गया कहाँ पर, पॉइंट B पर। तो हमने देखा कि जो पार्टिकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जो पार्टिकल है उसने यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस कवर किया, और इस पार्टिकल ने इस टाइम इंटरवल यानी T2 - T1 दैट इज डेल्टा T, इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस यहाँ पर जितना लेंथ कवर किया है, उस लेंथ को हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर क्यों? क्योंकि हम लेंथ के टर्म में बात कर रहे हैं। तो ये जो A से लेकर B तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं, यानी अगर हम कहें आर्क AB क्या है, तो जो आर्क AB है दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको आप डेल्टा S से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या S से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सपोज हम इसको डेल्टा S बोल रहे हैं, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो मान लीजिए स्मॉल r है, सेंटर O है। तो देखिए, जब पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B तक गया है, तो इसने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज डेल्टा S। लेकिन सेम चीज़ को आप एक और तरीके से बता सकते थे, अगर आप इस एंगल को बता देते कि पार्टिकल T1 टाइम से T2 टाइम के दौरान कितना एंगल इसने सबटेंड किया है, कितना एंगल इसने बनाया हुआ है। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, अगर हम इसको डेल्टा थीटा कहें, तो जो डेल्टा थीटा एंगल है, एंगल डेल्टा थीटा जो है, इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई सर्कुलर मोशन में, लेंथ के टर्म में बताएंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगल के टर्म में बताएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों के बीच में आप एक रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ लिया है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। और एंगल कितना है यहाँ पर, अगर हम इस आर्क के लिए बात करें, तो एंगल है डेल्टा थीटा, और आर्क कितना है, तो आर्क है डेल्टा एस, और अपान में रेडियस आर। तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू में डेल्टा थीटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा में। ये जो डेल्टा एस है वो है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डेल्टा थीटा है वो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ आप देखिए कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा है, अगर हम इस दोनों इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। और जरा यहाँ से देखिए ये क्या आ रहा है, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, डेल्टा एस है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी है उस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा है, टाइम इंटरवल है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम इंटरवल, तो आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम को तो हम वेलोसिटी कहते हैं, और अगर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था तो ये जो वेलोसिटी यहाँ से निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। बिल्कुल ऐसे ही जरा आप इधर देखिए, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी,
डेल्टा थीटा जो इसमें है इसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पर यूनिट टाइम में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, तो पर यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब कि ये है लीनियर वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी को वी से एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा वी और ये आर, और इसके बाद यहां पर ये बन जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। तो इस तरीके से देखिए ये रिलेशन बन गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर टू। इसी इक्वेशन नंबर टू को एक बार फिर से आप चाहे डिफरेंशिएट कर दीजिए चाहे टाइम से आप डिवाइड ही कर दीजिए। तो ये जो वी इक्वल टू लिखा हुआ है आर इंटू ओमेगा, जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं, वैसे आप देखिए कि ये जो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी और डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी है, वैसे ये एवरेज होता है, आप ध्यान रखिएगा कि ये एवरेज वैल्यू है। और जब हम कहते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर ये एवरेज के फॉर्म में आपने ऐसे लिखा हुआ है इस इक्वेशन को, इसी में अगर हम ये कंडीशन बना देते हैं कि इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाता तो यहाँ से जो एवरेज है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता, तो ये बन जाता इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी और ये आर और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एवरेज के फॉर्म में भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है और इंस्टेंटेनियस का भी ऐसा ही आता है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस की जब बात करते हैं तो डेल्टा टी जो होता है वो टेंस टू जीरो हो जाता है, यानी दोनों का जो इंटरवल है वो बहुत कम इंटरवल होता है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग सेम है, हम इसको यहाँ से हटाते हैं और उसी चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं। आप इसको मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन, इसी तरीके का एक्सप्रेशन हम इंस्टेंटेनियस के लिए भी यूज़ करेंगे और एवरेज के लिए भी यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ करते हुए आपको दिमाग में रखना है कि ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है। तो एवरेज के केस में भी इस टाइप का है और इंस्टेंटेनियस का भी, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर ये इंस्टेंटेनियस होगा तो V को आप डेल्टा S अपान डेल्टा T की बजाय आप ds अपान dt बोलेंगे, अगर एवरेज होगा तब क्या बोलेंगे तो V को आप डेल्टा S अपान डेल्टा T बोलेंगे। अगर ये रिलेशन आप एवरेज के केस में लिख रहे हैं तो V को इतना लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए लिख रहे हैं तो V को ऐसे लिखेंगे। वैसे ही ओमेगा की बात करें तो अगर एवरेज के लिए आप बात कर रहे थे तो ओमेगा कितना आएगा, तो एवरेज के लिए आपका ओमेगा हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और जब इंस्टेंटेनियस के लिए बात करेंगे तो ये ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस, और ये क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक, अच्छा ये रिलेशन हो गया। अब इसी को हम डिफ्रेंशिएट अगर कर दें दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर मान लीजिए ये इंस्टेंटेनियस वाला रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, और इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो वी डी वी अपॉन डी टी बन जाएगा और आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी बन जाएगा, सॉरी डी ओमेगा अपॉन डी टी बन जाएगा। और देखिए लीनियर वेलोसिटी का जो रेट है चेंज होने का उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, और आर और ये एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है इसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थ्री। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का ये रिलेशन है, सब में आर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात करें तो ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज वेक्टर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा की बजाय ये ओमेगा क्रॉस आर है। हमने आपको बताया था जब हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल में एक एग्जांपल ये भी था कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आती है। और आपको ये भी हमने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो साइन होता है उसमें इन टर्म का सीक्वेंस मैटर करता है। जैसे अगर ओमेगा को आप पहले लिख दिए हैं तो अलग मीनिंग है, और आर को पहले लिख के ओमेगा को बाद में लिखते हैं तो अलग मीनिंग है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसका वेक्टर फॉर्म ऐसा होता है। ठीक है, और इसका वेक्टर फॉर्म भी उसी टाइप का आएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, इस टाइप का। तो ये दोनों के वेक्टर फॉर्म हो गए इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री के। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में ये चीजें आपको, ये टर्म आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं कि ओमेगा और कैपिटल टी मतलब एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। तो आप देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड
टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को तो टाइम पीरियड कह रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड में यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन यूनिट टाइम या वन सेकेंड टाइम इन वन सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन ये जरूरी है। टाइम पीरियड क्या होता है, तो एक पूरा रोटेशन या रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकेंड में कितने बार ऐसा हुआ है, कितनी बार ऐसा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो अगर हम इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी को मान लें कि ये टाइम पीरियड के इक्वल है, यानी अगर हम एक पूरे रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल को हम पूरा टाइम पीरियड के इक्वल लिख रहे हैं, तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा? तो एक पूरे चक्कर में जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, वो होता है चाहे आप उसको डिग्री में लिखिए चाहे आप रेडियन में, तो 360 रेडियन बोलिए, डिग्री बोलिए, चाहे 2 पाई रेडियन बोलिए। वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट होता है वो रेडियन ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम मान लीजिए ये रेडियन वाला ही ले लें यहाँ पर, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, इसकी जगह पर 2 पाई लिखेंगे और अपान में हो जाएगा आपका टी, और ये जो 2 पाई अपान टी है तो 1 अपान टी, यहाँ से देखिए अगर इस रिलेशन से हम 1 अपान टी की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा 1 अपान टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपान फ्रीक्वेंसी या 1 अपान टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपान टी की जगह पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई और एन, 2 पाई और एन बन जाएगा, यानी ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है तो बड़ा सिंपल सा लेकिन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन देखते हैं, ये तो हमने देख ही लिया कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का मतलब चलने का तरीका है वो किस तरीके का मोशन है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड क्यों होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है। तो अगर सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसमें जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन किधर है, उसका फार्मूला क्या है, ये भी जानना है आपको। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, और पार्टिकल के एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो इसके अंदर एक्सीलरेशन आता है, देखिए इसके पास एक्सीलरेशन कई होते हैं, तो पहले तो हम यही आपको बता दें कि कितने टाइप के एक्सीलरेशन यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने टाइप के एक्सीलरेशन यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर इधर 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 है, वेलोसिटी के इस डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से जो एक्सीलरेशन यहाँ पर आता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मतलब क्या, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, मतलब ऐसा एक्सीलरेशन जो जिसका डायरेक्शन सेंटर की ओर हो, टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब, और टुवर्ड्स द सेंटर कहाँ से, तो इस पॉइंट से अगर आप टुवर्ड्स द सेंटर करेंगे इसका मतलब अलॉन्ग द रेडियस जाएगा, यहाँ से भी आप टुवर्ड्स द सेंटर करेंगे तो अलॉन्ग द इस रेडियस के अलॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो किसी भी एक पॉइंट पर ये चारों के अलावा भी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उस पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे सरफेस पर इस कर्व पर उस टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा,
और उस वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगा। तो आप जरा यहां पर देखिए ध्यान से कि अगर एक्सीलरेशन सेंटर की ओर है और वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और पार्टिकल की वेलोसिटी, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन को ए सी से एक्सप्रेस करते हैं, ए सी से या फिर ए आर से भी। आर क्यों? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो रेडियस के डायरेक्शन में, तो रेडियल एक्सीलरेशन भी इसी को बोला जाता है। कई बार न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन नहीं बोल के वो रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो सेंट्रीपेटल और रेडियल दोनों सेम है क्योंकि रेडियस के डायरेक्शन मतलब अलोंग ही ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना कि वेलोसिटी और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो होता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से क्रिएट होता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो देखिए क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, और पीछे आप पढ़ चुके हैं वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो अगर हम वी की जगह पर ये वैल्यू रख दें तो स्क्वायर करने के बाद आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान में आर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपेटल या रेडियल जो एक्सीलरेशन है उसके मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दूसरा, अगर ये जो सर्कुलर पाथ यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर डायरेक्शन तो हमेशा चेंज ही हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ अगर उसकी स्पीड भी चेंज हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो स्पीड चेंज होने की वजह से, यानी कि स्पीड का मतलब क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि दूसरा जो एक्सीलरेशन है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में जो चेंज होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, तो स्पीड में चेंज होने की वजह से भी एक एक्सीलरेशन आता है। क्योंकि आप देखिए, अगर इसका स्पीड चेंज होगा तो स्पीड चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, अगर स्पीड भी चेंज हो गया तो एक और एक्सीलरेशन आ जाएगा, और अब जो एक्सीलरेशन आएगा उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में। टेंजेंट के डायरेक्शन में का मतलब क्या है, टेंजेंट के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होती है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो ये जो एक्सीलरेशन है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो सकती है। और टेंजेंशियल का मतलब ये कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी और वेलोसिटी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट भी, यानी वेलोसिटी के पैरेलल या फिर वेलोसिटी के एंटी पैरेलल। तो ये कब पैरेलल होगा कब एंटी पैरेलल होगा ये आप ध्यान रखिए। ये तो ठीक है कि इसका मतलब पता चल गया कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो किधर होगा, तो ये टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी से, अब इसको आपको देखना है मैच करके। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर ये जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कर लीजिए या स्पीड कर लीजिए, अगर वो स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का होगा। इसका मतलब कि अगर वी इंक्रीज हो रहा है तो वी का डायरेक्शन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन सेम होंगे, यानी दोनों क्या होंगे पैरेलल। पैरेलल का मतलब इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर ऐसा हो रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा की बजाय कम हो रहा है, तो अगर इसकी स्पीड कम हो रही है, वी अगर कम हो रही है, वी मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चेंज होने की वजह से अब जो एक्सीलरेशन ऐसे केस में होगा वो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के बिल्कुल एंटी पैरेलल होगा। तो वेलोसिटी से एंटी पैरेलल होने का मतलब, अब इसको सिंबल तो कोई नहीं दिखा सकते हैं, चलिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी एंटी पैरेलल एक्सीलरेशन, और इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो उसी स्पीड के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन किधर, तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की ओर।
तो मान लीजिए कि अगर ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ए सी और स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में ये इधर ही हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। तो इन दोनों एक्सेलरेशन का कोई ना कोई एक रिजल्टेंट भी होगा, है ना, इन दोनों एक्सेलरेशन का कोई ना कोई एक रिजल्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर हैं एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उनका एक रिजल्टेंट इफेक्ट होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो तीसरा जो आपका यहाँ पर इसके अंदर एक्सेलरेशन मिलता है, दैट इज नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन ए कैसे आएगा, तो आप देख लीजिए ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो दो वेक्टर अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए इक्वल टू अंडर रूट ये फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू ए सी ए टी इंटू कॉस थीटा, और थीटा अगर परपेंडिकुलर है तो 90, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन कह सकते हैं इसको, तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये हुआ आपका तीसरा एक्सेलरेशन, ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन, तीसरा एक्सेलरेशन यानी नेट एक्सेलरेशन। अच्छा, ये तो आप समझ गए कि तीन एक्सेलरेशन ये हो गए, और चौथा हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, चौथा जो एक्सेलरेशन था उसका नाम क्या था, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। चौथा एक्सेलरेशन शुरुआत में ही आपने पढ़ा, जिसको अल्फा से एक्सप्रेस करते थे, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही थी उसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये आपका चौथा एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन के केस में ये चारों एक्सेलरेशन के लिए फार्मूले याद रखिए, किस चीज़ के प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, और इनका रिजल्टेंट वगैरह भी कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और दूसरा ये कि नेट एक्सेलरेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल के अलावा भी ये तमाम प्रकार के एक्सेलरेशन है, ये आपका दूसरा टाइप का एक्सेलरेशन था, ये आपका तीसरे टाइप का एक्सेलरेशन था, और ये आपने इससे पहले ही पढ़ लिया था, ये आपका चौथे टाइप का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है, वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आप लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, जिसमें आपको ये बताया गया कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसका मतलब ये कि अगर कहीं पर भी फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आ रहा होगा उसके अंदर। तो फोर्स की वैल्यू अगर नॉन जीरो है, एफ की वैल्यू अगर नॉन जीरो है, तो कन्फर्म है कि इसका मतलब कि ये कि ए की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी। इसी का उल्टा आप सोचिए कि अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो अगर कहीं पर भी एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है। तो सर्कुलर मोशन में आपने ये देखा कि अगर ये सेंटर ओ है, तो हमेशा इस मूविंग पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। हमेशा अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जरूर काम कर रहा होगा, हो सकता है कि बाकी एक्सेलरेशन में डाउट हो। अगर देखिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात करें, ये तो काम कर रहा है, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कब आता है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो तब आएगा ना जब ये हमारा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो हम चाहे नॉन यूनिफॉर्म की बात करें चाहे यूनिफॉर्म की बात करें, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो हमेशा काम करेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता ही होता है, ठीक है। तो जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन जो है सेंटर की ओर होता है। तो सेंट्रीपेटल अगर एक्सेलरेशन है तो उससे एसोसिएटेड जो फोर्स होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम भी सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होता है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का, वो सेंटर की ओर है, तो इसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा? सेंटर की ओर हो जाएगा। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से एसोसिएटेड ये जो फोर्स है इसको हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन सेंटर की ओर। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा? तो मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के इक्वल, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ। तो मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर अपान आर, और क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स निकालने के ये दो फार्मूले आपके पास हैं,
दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू गिवन है, लीनियर वेलोसिटी गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, ये मैटर करता है। ठीक है, अच्छा ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स आया, सेंट्रीपेटल फोर्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सेंट्रीपेटल फोर्स अगर नहीं होगा, दैट मीन सेंट्रीपेटल फोर्स अगर आप जीरो करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जीरो करने की बात कर रहे हैं, और जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है उसका डायरेक्शन किधर है? उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अगर किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सेंट्रीपेटल फोर्स बहुत जरूरी है। सेंट्रीपेटल फोर्स अगर नहीं रहेगा, इफ एफ सी इज इक्वल टू जीरो, अगर जरूरी, अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो है, नहीं मिल पा रहा है, देन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, देन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे तो उसको जरूरी जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना चाहिए। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिल पा रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो है, सेंटर की ओर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा और वो अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चला जाएगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो अगर किसी पार्टिकल को, सपोज आपकी एक धागा ले लीजिए, आप एक धागा ले लीजिए, इसमें एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और इसको ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन आप कराइए, तो जब तक ये धागे को आप पकड़े हुए हैं, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है, यहाँ पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। जैसे ही आप धागे को छोड़ देते हैं, तो जैसे ही आप इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो टेंशन इधर काम कर रहा था, टेंशन फोर्स, वो फोर्स खत्म हो गया, और उसके खत्म होने का मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स खत्म हो गया। सेंट्रीपेटल फोर्स खत्म हो गया तो अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में यानी टेंजेंट के डायरेक्शन में ऐसे ही चला जाता है। तो किसी पार्टिकल को ऐसे हाथ में पकड़ के, उसमें मतलब धागे को पकड़ के उसमें पार्टिकल अगर बंधा हो, तो ऐसे ऐसे करने के बाद आप छोड़ दीजिए तो देखिए कैसे जाता है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में। यही होता है जब कोई टायर वगैरह जब कीचड़ में से, है ना, गाड़ी मोटर को जब कीचड़ में से पास करते हैं, तो जब वो गोल गोल घूमता है तो उसमें जो मड लगे होते हैं, जो कीचड़ लगे होते हैं, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर निकलते हैं, है ना। ये जैसे ये सर्कुलर ये टायर है मान लीजिए, तो जो जब ये घूमता है तो इसमें जो मड होते हैं वो इस डायरेक्शन में निकलते हैं, इस डायरेक्शन में निकलते हैं, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ जो होता है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। इसी वजह से जैसे ही इसका सर्कुलर मोशन खत्म होता है, वैसे ही ये टेंजेंट के डायरेक्शन में निकल जाते हैं। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, कोई अलग से स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, बल्कि ये जो भी फोर्सेस अभी तक आप जानते आए हैं, जो भी फोर्सेस अभी तक आप पढ़े हैं, उन्हीं फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ऐसा होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है या इसके लिए रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। एग्जाम्पल से आप समझिए इस बात को, जैसे हम ये कह रहे हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई मुख्य फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जैसे आप बात कर लीजिए कि सन है, सन के अबाउट, सन के अराउंड अगर ये अर्थ है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अगर ये सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर चल रहा है ना, वैसे तो इलेप्टिकल रहता है, बट आप ठीक है एग्जैक्टली अगर मतलब आप सर्कुलर मानिए इसको, तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस सर्कुलर मोशन करने के लिए इसको, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इधर सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा। और कौन सा सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है या कौन सा फोर्स यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, तो वो फोर्स है अर्थ और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल को जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तभी यह सर्कुलर मोशन हो पा रहा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, इसका मतलब कि सेंट्रीपेटल फोर्स खत्म हो जाए, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा बल्कि टेंजेंट की डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने, आपको जो हमने अभी ये एग्जांपल दिया ये धागे वाला, तो धागे से ये पार्टिकल को आप पकड़ के जब इसको घुमाते हैं तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लग रहा है, और यही टेंशन फोर्स इस पार्टिकल को घूमने के लिए सेंटर की ओर, है ना, ये सेंटर की ओर लग रहा है, तो यही तो है सेंट्रीपेटल फोर्स। हमने पीछे आपको सेंट्रीपेटल में यही तो बताया कि एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर काम करे। तो किसी भी केस में कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें सेंटर की ओर जो रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज द सेंट्रीपेटल फोर्स।
तो अगर तमाम फोर्सेस बहुत सारे पार्टिकल पर लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा सेंटर की ओर, वो रिजल्टेंट फोर्स को आप सेंट्रीपेटल फोर्स के फार्मूले में यानी इसके इक्वल लिख सकते हैं, इन दोनों के इक्वल इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां जो टेंशन फोर्स है वो सेंटर की ओर काम कर रहा है, इसका मतलब ये जो टेंशन फोर्स है वो रिक्वायर्ड यानी जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। जैसे इसको आप धागे को छोड़ देंगे टेंशन फोर्स हो जाएगा जीरो, अर्थात सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा जीरो, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं। और एक एग्जाम्पल आप लीजिए, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, यहाँ न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है आपको पता है, और यहाँ पर मूविंग इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिल पाएगा, यानी इनके बीच में अगर ये फोर्स काम नहीं करेगा, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए आप, कि सड़क पर जब आप चलते हैं और किसी मान लीजिए चौराहे पर, ये सपोज कि ये कोई गोल चौराहा है और आप इधर से ऐसे आ रहे हैं, तो इधर से जब आप ऐसे आते हैं तो आपको ऐसे घूमना रहता है, तो ऐसे जब आप घूम रहे हैं इसका मतलब कि अभी आप एक सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं। तो इस सर्कुलर पाथ पर अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके ऊपर यहां पर एक कोई ना कोई सेंटर की ओर एक फोर्स काम कर रहा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहां पर कौन सा सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रहा है, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। कि जब हम गाड़ी से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं और किसी टर्न पर मुड़ते हैं, इस तरह के सर्कुलर पाथ पर जब हम मूव करते हैं, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो ये आपका आंसर हम देखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। हमने यहाँ पर बता दिया कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर इनके और इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि सड़क के केस में जब सड़क पर गाड़ी से, बाइक से, साइकिल से जाते हैं, तो वहाँ पर उसको घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। बाकी हम इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि जब हम टर्न करते हैं, यहाँ से साइकिल से अगर जा रहे हैं और जब हम उस सर्कुलर पाथ पर टर्न होते हैं, मुड़ते हैं, तो हम थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। हम थोड़ा सा जो बेंड होते हैं, है ना, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये हम वर्टिकल ऐसे थे, तो अगर हम ये वर्टिकल ना होके थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, तो जब हम थोड़ा सा बेंड होते हैं, सपोज कि वो एंगल कितना है, थीटा है, वर्टिकल से जितना हम बेंड हो जाते हैं, आपको पता है ना, साइकिल से जाते हैं और कोई टर्न है, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और ऐसे आप जाते हैं ऐसे, तो जब यहाँ पर आप थे तब तो आप एकदम वर्टिकल थे, लेकिन जब यहाँ पर आप पहुँचे तो इधर की ओर बेंड हो गए, इसकी ओर, इस सेंटर की ओर थोड़ा बेंड हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि वर्टिकल से आप थीटा एंगल पर बेंड हो गए, तो ऐसे केस में जो रिलेशन बनता है इस थीटा और इसके सर्कुलर पाथ के रेडियस के बीच में, वो रिलेशन आप याद रखिए, वो फार्मूला आप याद रखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। एक तो ये रिलेशन, और दूसरी बात ये कि बिना फिसले, क्योंकि ये जो टर्न हो रहे हैं, टर्न होने के बाद ऐसा चांस होता है कि आप फिसल जाए, तो टर्न जब होते हैं तो बिना फिसले इस सर्कुलर पाथ पर चलने की कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंडीशन विदाउट स्लाइडिंग, तो बिना स्लाइड हुए इस टर्न को क्रॉस करने की जो कंडीशन है वो क्या है, तो कंडीशन ये है कि जो इस पार्टिकल, इस ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट से आप जा रहे हैं, उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट मस्ट बी लेस आर इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू जी, v square is less or equal to mu into r into g, ये कंडीशन होती है बिना फिसले इस गोल चौराहे को पार करने की कंडीशन। और आप देखिए यहाँ से, अगर आप यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो less or equal to ये अंडर रूट आ जाएगा mu r g, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं।
और यहां से देखिए यानी जो v की वैल्यू होनी चाहिए वो अंडर रूट म्यू आर जी से या तो कम होनी चाहिए या तो इसके बराबर होनी चाहिए। तो आप देखिए कि वेलोसिटी की जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, यहां कंडीशन से वेलोसिटी की जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है वो अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल हो सकती है या तो इससे कम, तो कम और उससे ज्यादा। तो ये जो इक्वल वाला कंडीशन है वो ये बता रहा है कि बिना यहां पर फिसले बिना स्लाइड हुए किसी भी चौराहे को से बेंड होते हुए क्रॉस करने के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये कंडीशन तो आप याद ही रखिए। बाकी अगर हम मैक्सिमम की बात कर लें तो मैक्सिमम यही वाला है, दूसरा वाला अंडर रूट कितना म्यू आर जी, जहां पर म्यू क्या है, ये म्यू क्या है, तो पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, जिस लेक्चर में हमने बात किया था प्रोजेक्टाइल मोशन की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और ग्राफ की, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज म्यू, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देखिए और उसके ऊपर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी देखिए, ठीक है। तो जो म्यू है इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू जो है वो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि म्यू इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल होता है, जहां पर थीटा क्या है, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो ये देखिए टेन थीटा की जगह पर अगर हम म्यू रख देते तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, ये वाला कंडीशन आपको यहीं से मिलता है, ठीक है, यहीं से। तो ये कंडीशन भी आप याद रखिए, ये कंडीशन भी आप याद रखिए, और ये कंडीशन भी आप याद रखिए, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है, अगर इसको मान लीजिए हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम ही है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने यहां पर इक्वेशन बना दिया। तो ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की बिना स्लाइड हुए क्रॉस करने के लिए, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई ट्रेन की पटरी है या कोई सड़क है, आपने देखा होगा ना ज्यादातर जहां पर टर्न आता है वहां पर जो सड़क होता है वो हॉरिजॉन्टल एकदम नहीं रहता है, एक साइड उठ जाता है थोड़ा सा, है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे अगर है तो ऐसे ना हो कि इस साइड ऐसे उठ जाता है और लोग ऐसे जाके ऐसे सर्कुलर पाथ पर चलते हैं, यानी अगर मान लीजिए ऐसे जाना है तो यहां पर क्या होता है कि उस साइड दूसरे साइड जो रोड होता है वो उठा रहता है, इस साइड थोड़ा दबा रहता है ना, सेंटर की ओर दबा रहता है और दूसरे वाले साइड इस वाले साइड उठा रहता है। तो मान लीजिए कि सड़क की जो चौड़ाई है या ट्रेन की जो पटरी है वो उसकी चौड़ाई है डी, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये कि आप ऐसे मान लीजिए कि जो सड़क है वो एक कंडीशन ये आप मानिए और दूसरा यहाँ से चलिए ये है डी और सड़क जो है ये इस साइड इधर उठी हुई है, इतनी उठी हुई है, यही सड़क जो है ये मतलब ये सड़क जो है इधर उठी हुई है और आगे जो है आगे जाके इस तरीके से ये बेंड है। तो अगर इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो इसका एंगल हम मान ले रहे हैं कि अगर ये थीटा है और जो यहाँ से उठा हुआ है मतलब हॉरिजॉन्टल से जितनी ऊंचाई तक उठा हुआ है अगर वो एच है तो आप देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस यानी एच अपान डी, ठीक है। अगर कोई सड़क ऐसी है जो एक साइड बहुत उठी हुई है एक साइड दबी हुई है, ये ही सड़क है ये वाली, ये सड़क है, ठीक है, तो ये जो सड़क है वो इस साइड यहाँ पर दबी हुई है और इधर साइड इतनी उठी हुई है हॉरिजॉन्टल से इतनी उठी है और इस सड़क की जो चौड़ाई है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल चौड़ाई जो है वो d है, तो tan थीटा इक्वल टू आएगा h अपान d और tan थीटा इक्वल टू और क्या होता है v स्क्वायर अपान आर जी। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सड़क पर कोई भी सड़क अगर एक साइड उठा हुआ है एक साइड दबा हुआ है तो उसके लिए थीटा एच डी वी आर इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो फार्मूला है टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी ये वही और यहाँ से एच अपान डी भी आपको मिल गया और इसी टेन थीटा की जगह पर जब म्यू रख देंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी यानी ये मैक्सिमम वाली कंडीशन भी आपको मिल जाएगी। तो जब भी हम किसी चौराहे को पार करते हैं किसी सर्कुलर पाथ पर टर्न लेते हैं तो उस टर्न के कंडीशन में ये कंडीशंस हो सकती हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और बच गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो सर्कुलर मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर जो मोशन होते हैं उसमें भी कुछ फार्मूले हैं, वहाँ से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। कुछ पता तो नहीं रहता है क्योंकि अगर टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक सिलेबस में है तो क्या पूछ लें ये तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी हम क्या कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो टर्म है उसको याद रखेंगे तो अगर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए अगर हम यहाँ से एक स्ट्रिंग ले लें और इस स्ट्रिंग में यहाँ पर एक कोई पार्टिकल को ऐसे बांध दें और इसको किसी एक रिजिड सपोर्ट से ऐसे रख दें या फिर ऐसे कर दीजिए
कि इसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर, हॉरिजॉन्टल पाथ पर ऐसे घुमाएं, ठीक है। तो ये जो इस तरह का शेप बनेगा, इस शेप को हम कहते हैं कोन पेंडुलम। इसको क्या बोलेंगे? कोन पेंडुलम। एक और पेंडुलम आप जानते हैं, सिंपल पेंडुलम। तो उसमें क्या था कि एक स्ट्रिंग रहता है और पार्टिकल को ऐसे लेते हैं और इधर खिसका के जब छोड़ देते हैं तो ये इस तरीके से जो मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अगर इसकी लेंथ l है तो l अपान g, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला। लेकिन जो कोन पेंडुलम होता है उसके लिए टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो क्या है? टाइम पीरियड का फार्मूला इसके लिए जब निकालेंगे तो देखिए, अगर ये यहाँ पर है और ये मान लीजिए एंगल किसी टाइम पर ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, इस कंडीशन में है, तो देखिए इसके जो वेट होगा इसका mg वो तो इधर ही होगा। इस वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इधर सेंटर की ओर आएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है, ये भी एक वर्टिकल लाइन है, दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल लाइन को जब ऐसी कोई स्लैंटिंग लाइन ऐसे कट करेगी तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और अगर ये एम जी है तो थीटा डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर सेंटर की ओर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक। और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है जिससे इस पार्टिकल को बांधा गया है, इसमें एक इधर टेंशन फोर्स लगेगा टी। और आप देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल लाइन है तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग तो इक्वल होंगे ही, अल्टरनेट भी इक्वल होंगे। तो अगर ये टी है, तो अगर ये टी है और ये थीटा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? टी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। और ये जो टी कॉस थीटा हो गया, जरा आप देखिए किसको बैलेंस कर रहा है, ये जो टी कॉस थीटा है ये बैलेंस कर रहा है एम जी को। और दूसरी बात ये कि जो एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा ये किस डायरेक्शन में है? ये टूवर्ड्स द सेंटर है। और जो एम जी साइन थीटा वो एक फोर्स है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये फोर्स है सेंटर की ओर काम कर रहा है, इसका मतलब यही सेंट्रीपेटल फोर्स है। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपान आर। तो ये दो इक्वेशन आप इस कोनिक पेंडुलम के लिए, सॉरी कोन पेंडुलम या कोनिक पेंडुलम ही बोलते हैं, इसके लिए ये दो इक्वेशन आप बना सकते हैं। और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला हम निकालें, ये देखिए टेंशन है, ध्यान रखिएगा ये टेंशन फोर्स है, टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड का जब फार्मूला हम इसका लिखते हैं तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा और अपान में जी। तो ध्यान आपको ये रखना है कि कोनिक पेंडुलम है तो टाइम पीरियड के फार्मूले में यहाँ पर कॉस थीटा आता है, सिंपल पेंडुलम है तो इसके फार्मूले में कॉस थीटा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सिंपल पेंडुलम में कोई थीटा एंगल नहीं बन रहा है, और कोई थीटा एंगल नहीं बन रहा है तो अगर हम थीटा की जगह पर जीरो रख दें तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यही फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो कोनिक पेंडुलम से आप सिंपल पेंडुलम के फार्मूले तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोनिक पेंडुलम क्या होता है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है एक धागे में पार्टिकल को बांध के, और ऐसे ऐसे करके जब घुमाएंगे तो ये पार्टिकल ऐसे सरफेस पर ऐसे एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो ऐसे ही केस में ये जो शेप बन रहा है कोन की तरह बन रहा है, तो इसलिए इसको कोनिक पेंडुलम कह रहे हैं। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला ये हो गया, इसके टेंशन फोर्स और ये तमाम फोर्सेज जो है उनके बीच का रिलेशन या उनका इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ कौन सा मोशन? ये है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो एक और आप देख लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके बाद ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहीं पर साथ में उसका फार्मूला बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल सेम चीज है, यही चीज होता है, बस इसमें क्या है कि हम इसको यहां पर ऊपर से ऐसे पकड़ के और इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस में घुमा रहे हैं। अगर यही न करके हम क्या करें, उस धागे को पकड़ के और पार्टिकल ऐसे है ऐसे ऐसे करने लगे तो जो ये सर्कुलर पाथ बनेगा, यानी इस सरफेस पर, यानी वर्टिकल सरफेस पर, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब ये कि ऐसा होगा, ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से ये मान लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में पार्टिकल यहाँ पर है और किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर यहाँ पर है, ठीक है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है और हम मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये पार्टिकल जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो आप देखिए कि धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ जाएगा
तो ऊपर की तरफ तो ये जाएगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे काम करती है, तो लगातार इस पार्टिकल की जो स्पीड है ये ऊपर जाते जाते कम होती है और यहाँ पर मिनिमम हो जाती है, एकदम हाइएस्ट पॉइंट पर मिनिमम हो जाती है। यहाँ पर हाइएस्ट पॉइंट पर जब मिनिमम स्पीड हो जाती है तो उसके बाद फिर से इसकी स्पीड इधर बढ़ती है और बढ़ते 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 यहाँ पर एकदम मिनिमम जो पॉइंट है यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वी जो है वो मैक्सिमम होता है मिनिमम पॉइंट पर, और इस मैक्सिमम पॉइंट पर जो वी होता है वो मिनिमम हो जाता है। किसी टाइम पर मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पर है और थीटा एंगल बना रहा है इक्विलिब्रियम के साथ, इक्विलिब्रियम के साथ थीटा एंगल अगर ये बना रहा है तो यहाँ पर जो टेंशन काम करेगा वो, और यहाँ पर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो, इन दोनों का एक इक्वेशन हमको याद रखना चाहिए। और वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कि वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ब्रैकेट में 3 + 2 cos θ, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। और दूसरा जो टेंशन काम कर रहा है वो टेंशन, टेंशन इक्वल टू 3 mg ब्रैकेट में 1 + cos θ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पर आपको ये पता करना है कि पार्टिकल की स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड तो हर पॉइंट पर बदल रहा है ना, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है आप नीचे से ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो लगातार स्पीड कम हो रही है, फिर वापस आ रहे हैं तो बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम होने के बाद फिर घटना स्टार्ट हो रही है, तो किस पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी वो इस फार्मूले से आप पता करेंगे। इसमें जी आप समझ रहे हैं, आर क्या है सर्कुलर पाथ का रेडियस है ये, और इसमें जो थीटा है वो क्या है, वो एंगल है, किसके साथ एंगल है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है यानी इक्विलिब्रियम वाली लाइन है उसके साथ, तो यानी मिनिमम पोजीशन पर अगर रहेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो थीटा 0, अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पर पहुँच जाए तो थीटा कितना हो जाएगा 90, यही पार्टिकल अगर यहाँ पर चला जाए तो एंगल की थीटा कितना हो जाएगा 180, इसी तरह से यहाँ जाएंगे, है ना। तो ये सारे एंगल आप इसके इस बेसिस पर, ये जो इक्विलिब्रियम लाइन है इसी के साथ ये एंगल आपको थीटा मेजर करना है, ठीक है। ये तो स्पीड के लिए इक्वेशन हो गया, और अगर हम टेंशन की बात करें कितना टेंशन है, तो टेंशन T इक्वल टू 3 mg ब्रैकेट में 1 + cos θ, जैसा थीटा की, जैसी थीटा की वैल्यू होगी वैसे ही टेंशन की वैल्यू आएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू भी हाईएस्ट होगी, तो cos थीटा की वैल्यू जब हाईएस्ट होगी, यानी देखिए T इक्वल टू 3 mg 1 + cos θ, तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे, सॉरी यहाँ पर पहुँचेंगे तो cos थीटा यानी थीटा कितना रखेंगे 180, और cos 180 की वैल्यू तो -1 आती है जो कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेंगे तो थीटा की जो वैल्यू रखेंगे उससे जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी मिनिमम, और कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम आएगी मतलब टी की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो यहाँ पर मिनिमम टेंशन काम करेगा, जहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी है वहीं पर मिनिमम टेंशन भी है, और नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी है और नीचे टेंशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा 0 रखेंगे तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, तो टेंशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, आप जनरल फार्मूला है, अब आप हर पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं, 0 के लिए, 90 के लिए, सबके लिए निकाल सकते हैं। यहीं पर एक बात और आती है कि सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ये तो ठीक है कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन ये जो मिनिमम वेलोसिटी आ रही है वो कितनी होनी चाहिए, क्या कोई भी मिनिमम वेलोसिटी है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है? तो नहीं, कोई भी सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, अगर उससे कम वेलोसिटी हो जाएगी तो जो धागे में जो खिंचाव है, जो टेंशन है वो कम हो जाएगा और ढीला होके ये पार्टिकल यहीं से वापस नीचे गिर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, सर्कुलर मोशन आधा रह जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन बना रहे इसके लिए मिनिमम जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या, मिनिमम वेलोसिटी टू मेंटेन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसका रिजल्ट याद रखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अगर ये इतनी वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हो जाएगी तब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा या सर्कुलर मोशन पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्कुलर मोशन, सारे टॉपिक हमने बता दिए, सारे फार्मूले हमने बता दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस लेक्चर को एक बार फिर से ध्यान से देखना है, और आपको जो नोट्स आप बना रहे हैं वो नोट्स आपको कंप्लीट करना है, सारे फार्मूलों को नोट्स कर लेना है, फार्मूले याद भी कर लेने हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसका प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल करें तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।